अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वाई एम फॉर ब्लॉग। इस वक्त मैं मरदान में हूं और मरदान के इलाके बाबूजी में एक गड़ी रेस्ट हाउस के नाम से एक जगह है, वहां पर आया हुआ हूं। जो गड़ी जंगल बाबूजई सकरा रेंज वाइल्ड लाइफ डिवीज़न मरदान की तरफ से है और ये एक गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई जगह है और इसका रास्ता थोड़ा सा दुश्वार था, लेकिन फिर भी बड़ा ही ज़बरदस्त नेचुरल एनवायरनमेंट है यहाँ पर। ये एरिया तकरीबन 3200 केनाल पर मुहित है और ये मरदान फॉरेस्ट डिवीज़न की तरफ से बनाई गई जगह है और इसको गड़ई रेस्ट हाउस भी कहा जाता है और महकमा जंगली हयात हैबर पख्तूनख्वा की तरफ से ये जगह बनाई गई है और ये सबा सोशल एसोसिएशन बाबूजे इसको सुपरवाइज कर रहा है और मुख्तलिफ यहाँ के मेंबर्स भी हैं जो इसको हेड कर रहे हैं। ये एक ममनुआ इलाका है, यहाँ पर हर किस्म के जानवरों और परिंदों का शिकार करना सख्ती से मना है और यहाँ पर दरख्त है, यहाँ मुख्तलिफ किस्म के दरख्त है और जानवरों और परिंदों को तहफ़ दिया जाता है। यहाँ पर तीतर, बटेर और हिरन और मुख्तलिफ किस्म के और भी जानवर हैं यहाँ पर। चारों तरफ से ये दीवार है यहाँ पर और ये बड़ा ही ज़बरदस्त इलाका है, पुरसकून एनवायरनमेंट है, बड़ा ही सुकून, आपके बहुत ही फ्रेश एयर है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आप पहाड़ है, यहाँ पर एक नई मस्जिद भी बनाई गई है, यहाँ पर एक कमरा है, एक दो कमरे भी बनाए गए और खाने पकाने के लिए भी जगह हैं। और आप देख सकते हैं सामने मस्जिद है और इस वक्त हम इसमें इंटर होने जा रहे हैं और आप देख सकते हैं सामने आपको ये कमरा नज़र आ रहा होगा। ये बाबूजई मरदान का इलाका है, बाबूजई विलेज ये इसी का हिस्सा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं दोस्तों के साथ यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए और यहाँ पर मस्जिद का इंतज़ाम है, पानी का भी इंतज़ाम है, बैठने के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त जगह बनी हुई है, जगह जगह पर यहाँ पर चबूतरे बने हुए हैं और वज़ू बनाने के लिए अलग सी जगह बनी हुई है यहाँ पर। और इसमें आगे जाकर ट्रैक्स बने हुए जो आगे पहाड़ी की तरफ निकलते हैं, मुख्तलिफ ट्रैक्स बने हुए जिस पर आप जाके वॉक भी कर सकते हैं और आगे जंगलों के बीच में आप चल के आगे मुख्तलिफ स्पॉट्स बने हुए जहाँ पर आप बैठकर दोस्तों के साथ आराम कर सकते हैं। यहाँ पर ये कमरे के छत के ऊपर इस वक्त हम आ चुके हैं, आप देख सकते हैं चारों तरफ बड़ा खूबसूरत नज़ारा है, दरख्त ही दरख्त है, पहाड़ है और बहुत ही खुला ओपन एरिया है। यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ गाँव से और दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं और अपना टाइम स्पेंड करते हैं और यहाँ पर इंजॉय करते हैं, अपने दोस्तों के साथ खाना बनाते हैं और मुख्तलिफ किस्म के खाने बनाते हैं। यहाँ पर पानी भी अवेलेबल है, यहाँ पर बैठने की बहुत ही खूबसूरत जगह हैं और हवा यहाँ का बड़ा फ्रेश है और ये शहर से, मरदान सिटी से कम ये 30 किलोमीटर के दूरी पर वाक़ है और यहाँ रोड भी बना हुआ है, रोड है लेकिन थोड़ा सा कच्चा रोड है और इसमें लेकिन फिर भी गाड़ी यहाँ तक आ सकती है, कार भी आ सकती है, बाइक भी आ सकती है। और आप देख सकते हैं ये मस्जिद, ये नई मस्जिद बनाई गई यहाँ पर और बहुत ही खूबसूरत किस्म की मस्जिद बनाई गई है पहाड़ों के बीच में, चारों तरफ पहाड़ है और ये मस्जिद आप देख सकते हैं बड़ी मेहनत की गई है इस मस्जिद पर। और ये आप देख सकते हैं लोकेशन यहाँ बाबूजी, ये बाबूजी गड़े इंक्लोजर्स 1 और 2 इस यहाँ के दो इंक्लोजर्स हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इलाका है, यहाँ पर फूल लगाए गए हैं, ये पूरा इसकी आप बाउंड्री दे सकते हैं मस्जिद की। और आगे चलकर आपको
अगर आप मर्दान के इलाके में रहते हैं, सवात, दीर, मलकन या बाहर से मर्दान आए हुए हैं, तो ज़रूर गड़े रेस्ट हाउस आप विज़िट करें। और ये इलाका ज़्यादा रश भी नहीं होता, यहाँ पे बिल्कुल खाली पड़ा रहता है, और आप आके यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई फीस नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत ही खूबसूरत पार्क है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर वॉशरूम बने हुए हैं, वज़ू बनाने के लिए अलग से जगह भी बनी हुई है, आप देख सकते हैं। साथ में ये दरख्त, खूबसूरत किस्म के मुख्तलिफ किस्म के दरख्त बने लगे हुए, और ये यहाँ पर पानी का टैंकर है, टैंक है, और पानी भी वाफर मकदार में यहाँ पर अवेलेबल है। और ये आपको वो ट्रेल्स नज़र आ रहे होंगे जिस पर आप वॉक कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं और अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं आगे जाके। यहाँ पर मुख्तलिफ स्पॉट्स बने हुए हैं जहाँ पर आप बैठ सकते हैं, अपने खाने बना सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। वैसे बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पुरसकून और पुरफ़ा इन्वायरमेंट है यहाँ पर, और वेल सिक्योर इलाका है। यहाँ पर एक गार्ड भी होता है जो यहाँ की रखवाली करता है। यहाँ पर शिकार करना अलाव नहीं है, कोई दरख्त नहीं काट सकता, कोई भी इलीगल एक्टिविटी यहाँ पर नहीं कर सकता। ये वेल प्रोटेक्टेड एरिया है, और आपको ये पहाड़ नज़र आ रहे होंगे, ये दरख्त, बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हैं यहाँ के, जो बड़े ही अट्रैक्टिव और बहुत ही ज़बरदस्त और सेरीन एनवायरनमेंट है यहाँ पर। छोटे छोटे दरख्त, बड़े बड़े हर किस्म के दरख्त हैं यहाँ पर, जो माहौल को और तरोताज़ा बना देते हैं। यहाँ दूर से लोग आते हैं, और ये गड़े रेस्ट हाउस के नाम से जगह जानी जाती है। इस वक्त हम आगे जा रहे हैं कमरे की तरफ, जहाँ पर एक कमरा बना हुआ है, बरामदा बना हुआ है, और यहाँ पर दो तीन और भी कमरे बने हुए हैं जिसमें अलग से किचन बने हुए हैं। और राइट साइड पे ये वॉशरूम है, और ये वज़ू बनाने की जगह भी है। लेफ़्ट साइड पे ये आप मस्जिद देख सकते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत, स्टेट ऑफ द आर्ट एक खूबसूरत मस्जिद है, जिस पर बड़ी मेहनत की गई है, बहुत ही प्लानिंग के साथ ये बनाई गई है। और ये आप पूल देख सकते हैं इस वक्त, और इस वक्त ये क्लाउडी मौसम है, और ये मुख्तलिफ किस्म के ये आपको इस वक्त हम गड़ी रेस्ट हाउस दिखा रहे हैं। ये यहाँ पर जनरेटर है, ये जनरेटर कुएं से पानी निकालने के लिए जनरेटर को यूज़ किया जाता है, तो इसके लिए पेट्रोल वगैरह यहाँ के लोकल्स वगैरह पैसे देते हैं और जनरेटर चलाया जाता है। ये चबूतरा है, ये एक चबूतरा है, यहाँ पर और भी दो तीन चबूतरे हैं जिस पर आप आराम से दोस्तों के साथ बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं, और अपने खाने बना सकते हैं, और यहाँ पर दोस्तों की गपशप कर सकते हैं। ये सामने आपको ये चूल्हा नज़र आ रहा होगा जो पत्थरों का बना हुआ है, और ये देखें, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये मर्दान बाबोजे का इलाका है, और जब भी मर्दान आना हो तो आप गड़े रेस्ट हाउस ज़रूर विज़िट करें, और आपको उम्मीद करता हूँ बड़ा मज़ा आया होगा इस वीडियो में। और भी इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं।